हेलो दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पिछले दिन जो विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था मध्य प्रदेश में, और आज सुबह में ये खबर मिल रही है कि विकास दुबे को कानपुर ले जाया जा रहा था, और उसकी गाड़ी जो आगे आगे चल रही थी उसी बीच में गाड़ी जो है रास्ते में जो गिर गई। उसके बाद विकास दुबे ने एसटीएफ के जवान के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके वजह से एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया है। वो मार गिरा दिया गया है, विकास दुबे को मार गिरा दिया गया। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, आप देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं अखिलेश यादव ने कहा है ट्वीट करके कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं योगी सरकार पे भी एक सवाल खड़ा हो रहा है इनके मौत से। दोस्तों, देखा आपने पुलिस किस तरह बयान देने से बच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये विकास दुबे इनकाउंटर में कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर पुलिस के द्वारा की गई है वो एक शक के दायरे में है, और नितिन जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों को न्यायपालिका पे विश्वास होती है, और ऐसा माना जा रहा है जैसा कि लोगों की जो विश्वास है वो न्यायपालिका पे उठती जा रही है। दोस्तों, इन सारे मामले को आप किस प्रकार लेते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल बटन भी जरूर दबा लें ताकि देश दुनिया की ताज़ा अपडेट आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए तथ्य एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।